पार्ट वन में अपन सब ने डेफिनेशन, साथ में सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, अलग अलग सेट्स के टाइप्स, ये सारी की सारी डिटेल्स अपन ने देखे थे पार्ट वन में, और लिंक हमने दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक को क्लिक करिए और पार्ट वन पहले देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू के साथ, और भी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सेट्स के वो समझते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, हम किसी भी टू सेट को इक्विवेलेंट सेट कब बोलेंगे? मान लेते हैं एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। अगर उन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, अगर उन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर हम ये बोलें कि अगर दो नंबर्स या फिर दो सेट्स अगर इक्विवेलेंट हैं तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेट बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 5 और कार्डिनल नंबर जो बी का है वो भी 5 है, क्योंकि दोनों में 5-5 एलिमेंट्स हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वल सेट्स का। टू सेट्स को अगर हम इक्वल सेट्स बोलना चाहते हैं तो उसका मतलब यह है कि दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम। हाँ, एक बात मैं ये बता दूं कि अगर आगे पीछे लिखे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर एक सेट है ए जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरा सेट है बी 5, 4, 2, 1, 3, आगे पीछे अगर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर लेकिन सेम टू सेम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम, एग्जैक्टली सेम होगी तभी हम क्या बोल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं हम इक्वल सेट्स। यहाँ पर हमने वही सेम टू सेम एग्जांपल आप सबके साथ शेयर करा है। यहाँ पर देखते हैं ए इज इक्वल टू बी कब होगा। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेट पी इज इक्वल टू 5, 4, 2, 1, 3। अब यहाँ पर देखिए दोनों में सेम टू सेम एलिमेंट्स हैं तो इसलिए ए इज इक्वल टू बी, इट मीन्स ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 8। अब अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें और बी की वैल्यूज निकालें सेट बी की तो वो भी सेम टू सेम आएगी 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसलिए ए और बी दोनों इक्वल सेट हैं। एक नोट करने वाली बात यहाँ पर, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एक्स बिलोंग्स टू ए टेंस टू एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी टेंस टू एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती हैं इट मीन्स हम बोल सकते हैं ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हैं। और दूसरा नोट हमको ये बताता है कि अगर हमारे पास टू सेट्स हैं और वो अगर इक्वल सेट्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट सेट है, पर लेकिन अगर वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट हो, इट मीन्स वो इक्वल सेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेट ऑफ सेट्स। इसका मतलब यह है कि अगर हमने जितने भी सेट्स हैं उनका एक सेट बना दिया तो उसको हम बोल सकते हैं सेट ऑफ सेट्स या फिर फैमिली ऑफ सेट्स या फिर क्लास ऑफ सेट्स। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसमें है 1, 2 फिर 2, 5 फिर 3, 8 या 3, 8 और 9। यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि ये सेट्स हैं, उसका हमने सेट बना दिया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सेट ऑफ सेट्स। यहाँ पर हमने बताया भी है 1, 2, 2, 5, 3, 8, 9 ये तीनों के तीनों सेट्स हैं, इसीलिए ये है सेट्स ऑफ सेट। सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर है 2, 3 फिर 4 फिर 5, 6। यहाँ पर ध्यान से देखिए जो 4 है बीच में, ये वाला जो 4 है बीच में वो एक सेट नहीं है,
इसीलिए सेट ऑफ सेट में नहीं आएगा। अब सेट्स ऑफ सेट के बाद कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इससे हमको और डिटेल में समझ में आए कि हमें क्वेश्चंस कैसे करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमें रिप्रेजेंट करना है गिवन जो भी कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे। इसका मतलब ये है कि हमें वो वाले मंथ का नाम चाहिए जो जे से स्टार्ट होते हैं। अब क्या हमें ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है, क्या आप बता सकते हैं? मेरे हिसाब से ये सेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जे से जो स्टार्ट होते हैं वो मंथ है जनवरी, जून एंड जुलाई। इट मींस ये वेल डिफाइंड है, सबके लिए सेम है, इसीलिए ये सेट है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखी थी पार्ट वन में, पार्ट वन में डेफिनेशन थी सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, और ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसीलिए ये सेट है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर मोस्ट टैलेंटेड राइटर मेरे हिसाब से कोई और हो सकते हैं, आपके हिसाब से कोई और हो सकते हैं, कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है। तो इसीलिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो ये इंडिविजुअल कलेक्शन हो सकता है पर लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट के कैटेगरी में नहीं आता। तीसरा एग्जांपल है, द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से वही बात आती है कि यहाँ पर भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर या फिर बैट्समैन किस किस को बोल सकते हैं। सबका इंडिविजुअल कलेक्शन हो सकता है कि हाँ यार ये 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई और होंगे, आपके हिसाब से कोई और होंगे, आपके फ्रेंड के हिसाब से कोई और होंगे, इसलिए इंडिविजुअल कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसीलिए सेट सी जो दिया हुआ है उसको हम सेट नहीं बोल सकते। आगे चलते हैं, हमें रिप्रेजेंट करना है एक सेट है ए इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। इनको हमें रिप्रेजेंट करना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। जैसा कि अपन ने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आपको याद होगा पार्ट वन में पढ़ा था। तो हम कैसे डिनोट करेंगे, हम कंसिडर कर लेते हैं कि x डिनोट कर रहा है एक आर्बिटल एलिमेंट है a का, और x कैन बी एनी इंटीजर, मतलब x कोई भी इंटीजर हो सकता है -4 से लेकर 5 तक। तो हमें इसको डिनोट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करिए, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू -4 से लेकर 5 तक आती है और वो इंटीजर है। इट मींस ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगेन हमें रिप्रेजेंट करना है एक सेट एक और है a, जिसमें वैल्यूज है a e i o u। जैसा कि आप सबको पता है कि a e i o u क्या होते हैं, ये हैं इंग्लिश के वोवल्स, 5 वोवल्स। तो हम फिर से लिखेंगे x denotes an arbitrary element of a, और x क्या हो सकता है, एनी वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम फिर से a इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट में x इज सच दैट x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इससे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द सेट a इज इक्वल टू 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में देखना है। एक ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाला नंबर 1 है तो नीचे वाला नंबर 2 है, ऊपर वाला नंबर 2 है तो नीचे वाला नंबर 3 है। इसका मतलब यह है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में दिया है वो हमेशा एक नंबर ज़्यादा है। इट मीन्स हम एक नंबर ऊपर छोटा लिखेंगे, एक नंबर नीचे बड़ा लिखेंगे, कुछ भी एक चीज़ कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे x is such that x is equal to n, और नीचे लिखेंगे exactly n plus 1, और n belongs to natural number, और natural number कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 6 तक, इसलिए यहाँ लिखा है 1 is less than equal to n is less than equal to 6। तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करें, इसे मान लीजिए यहाँ पर 6 पुट करा, तो यहाँ पर 6 और ये 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, इट मीन्स ये हो जाएगा 6/7। इसके आगे हम पुट कर नहीं सकते क्योंकि हमने यहाँ पर
क्राइटेरिया दे दिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। हम सेट का और डिटेल पार्ट नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। हम इतना डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हमें आईआईटी मेन और साथ में आईआईटी एडवांस की तैयारी करनी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको हमारी वीडियोस का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। और आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, स्पेशली उनके साथ जो आईआईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। टिल देन थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।